वेलकम टू पल्लवी किचन। आज हम बनाएंगे कॉर्न 65। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप कॉर्न्स, 1/2 कप बेसन, 1 चॉप्ड अनियन, 3 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टीस्पून राई, करी लीव्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हींग, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। सबसे पहले हम कॉर्न्स को जार में डालेंगे और इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। कॉर्न्स को हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। कॉर्न्स को हमने बाउल में निकाल लिया, अब इसमें हम अनियन डालेंगे, बेसन, राइस फ्लावर, पिंच ऑफ हल्दी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हमने हींग भी डाल दी है, अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ज्यादा पानी यूज नहीं करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके हम पकोड़े बनाएंगे। पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया, अब इसमें हम पकोड़े बनाएंगे। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये फ्राई हो गया, अब इनको हम निकाल लेंगे। पकोड़े हमने बना लिए, आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक ट्विस्ट दूंगी शेजवान सॉस में। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। इसमें हम राई डालेंगे, ये क्रैकल हो गई है। इसमें करी लीव्स डालेंगे, शेजवान सॉस, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी कॉर्न 65। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।